हेलो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इंडियन एक्ट्स के बारे में, मतलब कि जो भारत के 10 प्रमुख जो अधिनियम है, मतलब कि जो चर्चा में रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर पहले एक्ट की, तो यहाँ पर पहला एक्ट है द फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, मतलब कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। देखिए, ये एक्ट या फिर अधिनियम भारत सरकार को यह शक्ति देता है कि सपोज जैसे कोई व्यक्ति है, उसने क्या है भारत में कम से कम 100 करोड़ का घोटाला करके वो भारत से दूसरे देश में भाग गया है, ठीक है, अब वो क्या है वापस आने से मना कर रहा है क्योंकि उसे भारत में कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक्ट भारत सरकार को शक्ति देता है कि उसकी भारत के अंदर या फिर भारत के बाहर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त कर सकते हैं, उनको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये कहलाता है फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो दूसरा एक्ट है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, मतलब कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देखिए, ये एक्ट इतना पॉपुलर है कि मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा कि आरटीआई क्या होता है, ठीक है, सूचना का अधिकार क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात करें अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसको अक्रॉस इंडिया इम्प्लीमेंट किया गया है, 2005 में इसको पारित किया गया था। अब इस एक्ट के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या फिर ऐसे डिपार्टमेंट जिनको गवर्नमेंट या भारत सरकार कंट्रोल करती है, उन डिपार्टमेंट से या फिर उन ऑफिसेज से अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप सिंपल आरटीआई फाइल कर सकते हैं और वहां से 30 दिनों के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे फाइल करते हैं आरटीआई, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लें। देखिए, अगला जो हमारा एक्ट है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, मतलब कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। देखिए, इसको पारित किया गया था 2005 में, लेकिन लागू इसको 2006 से किया गया था, मतलब कि 2006 में किया गया था। अब देखिए, बात करें अगर डिजास्टर की, तो डिजास्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल डिजास्टर और एक होता है मैनमेड डिजास्टर। अब देखिए, मैनमेड डिजास्टर में सपोज कोई लैब है, कोई लेबोरेटरी है, उसने एक ऐसा वायरस बनाया जो अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस स्टेट या फिर अक्रॉस जो है वर्ल्ड वो स्प्रेड होने लगा, तो ये इस तरह के डिजास्टर कहाँ पे काउंट किए जाएंगे, मैनमेड डिजास्टर में। और नेचुरल डिजास्टर आपको पता ही है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, तो इस तरह के जो डिजास्टर है वो नेचुरल डिजास्टर कहलाते हैं। अब इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, इन डिजास्टर्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, इनसे कैसे निपटना है, कैसे टैकल करना है इन क्या कहते हैं डिजास्टर को, ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं पॉलिसी फॉर्मेशन का काम इस एक्ट के थ्रू किया जाता है। या फिर सपोज कहीं डिजास्टर हो गया, ठीक है, कहीं आपदा आ गई, तो उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ से की जाए, ठीक है, और किस तरह से की जाए, तो वो जो सब काम है वो क्या है इस एक्ट के थ्रू देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो एक्ट है उसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मतलब कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल एक वर्ड का मतलब समझना होगा, वो है फूड सिक्योरिटी, मतलब कि खाद्य सुरक्षा क्या है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा से या फूड सिक्योरिटी से मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति या मैं कहूँ प्रत्येक इंडिविजुअल्स उसको पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर क्या है वो खाद्य सामग्री मिल रही हो, मतलब कि वो व्यक्ति क्या है वो खाद्य सामग्री लेने में सक्षम हो और जो खाद्य सामग्री वो ले रहा है वो पौष्टिक भी हो साथ ही साथ, ठीक है। तो जब ये काम होने लगता है तो उसे हम कह देते हैं फूड सिक्योरिटी या फिर खाद्य सुरक्षा। अब देखिए, भारत सरकार ने क्या है इसी को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया था, मतलब कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जो कि 10 दिसंबर 2013 से लागू कर दिया गया। अब जो ये एक्ट है इसका नाम है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009। देखिए, इसको पारित किया गया था अगस्त 2009 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। अब देखिए, इस एक्ट के थ्रू जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब कि उनसे किसी भी प्रकार की फीस जो कि स्कूल से संबंधित है वो नहीं ली जाएगी। यहां तक कि भारत सरकार खुद उनको जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो यूनिफॉर्म्स हैं और भी जो नेसेसरी चीजें हैं स्कूल से संबंधित, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को प्रोवाइड कराएगी। और जैसा कि हमें पता है हमारे संविधान में एक आर्टिकल 21 में क्या है, इसको शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, मतलब कि आईटी एक्ट 2000, हिंदी में कहूं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की, तो इसे 17 अक्टूबर 2000 में इसको पारित किया गया था। और ये डील करता है किससे, साइबर क्राइम से, मतलब कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अगर वहां पर कोई क्राइम वगैरह होता है, कोई हेट फैलाई जा रही है या कोई फेक न्यूज फैलाई जा रही है, तो उस सब के जो कानून होते हैं वो कहां पर मेंशन किए गए हैं, इस आईटी एक्ट 2000 में। या फिर जो
ई कॉमर्स होता है, मतलब कि हम इंटरनेट के द्वारा जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, तो उससे संबंधित जो आपको कानून देखने के लिए मिलेंगे वो इसी एक्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर बात करें सरफेसी एक्ट 2000 की, तो ये एक्ट बैंकों को ये शक्ति प्रदान करता है कि सपोज अगर उनका कोई एसेट है वो क्या है, एनपीए डिक्लेयर हो गया है, तो वहां से वो अपना पैसा किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से अपना पैसा वापस ले सकते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी कानून है वो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। और वैसे मैंने इस एक्ट के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर बात करें कंपनी एक्ट 2013 की, मतलब कि कंपनी अधिनियम 2013 की, तो पहले ये एक्ट हुआ करता था कंपनी अधिनियम 1956, ठीक है। 2013 में इसको पार्शली रूप से, मतलब कि आंशिक रूप से इसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे, कंपनी अधिनियम 2013 से। अब देखिए, नाम से ही समझ में आता है कि कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब कि इस एक्ट के अंदर कंपनी से रिलेटेड जितने भी कानून होंगे, मतलब कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उससे संबंधित जितने भी कानून होंगे, तो वो कहाँ पर मेंशन किए गए होंगे, वो इस एक्ट के अंदर मेंशन किए गए होंगे। अब देखिए, अगर बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 की, मतलब कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की, तो इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। अब देखिए, जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि अप्रत्यक्ष कर है। अब हुआ क्या था कि जो पहले जो अलग अलग टैक्स होते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ठीक है, तो उन सब की जगह पर केवल एक टैक्स ला दिया गया है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए, इसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, ठीक है, मल्टी स्टेज टैक्स क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वन डे एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जैसे कि कैस्केडिंग टैक्स क्या होता है या कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, आपसे केवल ये पूछेगा कि कब से लागू किया गया, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए 1 जुलाई 2017 से। अब देखिए, अगर बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की, मतलब कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 की, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पर क्या है, पहले से ही हजारों केसेस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो इस पेंडेंसी को या इस पेंडिंग को कम करने के लिए क्या है, हम एक अलग से कोर्ट बना देते हैं जिन्हें हम कह देते हैं ट्रिब्यूनल्स, और इन ट्रिब्यूनल्स में क्या है, स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड ही केसेस को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, एनजीटी एक्ट के अंडर जो केसेस आते हैं वो होते हैं पर्यावरण से संबंधित, मतलब कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे या इश्यूज होंगे वो हम क्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।